तो जय श्री राम दोस्तों, हम आ गए हैं अयोध्या में। यार अयोध्या में ना राम मंदिर के निर्माण के बाद ना टूरिज्म बहुत बढ़ने वाला है। अब चीजें तो बहुत सारी हमने आपको अयोध्या की बता ही चुके हैं, तो भले वो शॉर्ट हो या भले वो लॉन्ग वीडियो, एक ही वीडियो हम आपके सामने ला रहे हैं जहां पर आप रुक सकते हैं, विच इज अ स्टे ऑप्शन इन अयोध्या। स्टे की बात करूं, यहां से राम मंदिर जो है, राम जन्मभूमि जो है, वो सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर दूर है। रिक्शा आपको यहां से बाहर से मिल जाएगी। मेन रोड के पीछे वाली एक गली में होटल है और होटल बहुत सरल, बहुत सादा होटल है, कोई हाईफाई होटल नहीं है। और इस होटल का नाम है रघुवर इन। इसके देखो प्राइसेस तो मैं अभी आपको रिवील नहीं करूंगा क्योंकि सीजन के टाइम पर कुछ ज़्यादा हो सकते हैं, कम ज़्यादा, बट अराउंड 3000 अराउंड आप समझ के चलो एक रूम का इसका प्राइस पड़ेगा। बाकी आओ आपको रूम्स दिखाता हूँ कि रूम्स कैसे कैसे हैं इस होटल के और क्या क्या आपको रूम्स में ऑप्शन मिलेंगे। हेलो, सो दिस इज द रूम। फिलहाल तो काफी वॉशरूम भी साफ है। हाँ, बालकनी इस पे नहीं है, बट ओवरऑल ठीक है। अगर आप अयोध्या में, हमें होटल्स इतने मिले भी नहीं, बट ये होटल थोड़ा पास भी है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। ये भी नया है, सब कुछ नया नया सा है, काफ़ी फ्रेश है, कोई स्मेल भी नहीं है, वॉशरूम भी काफ़ी क्लीन है। सो इफ आप अभी कभी इन टाइम में आ रहे हो तो हाँ, यू कैन बुक दिस स्टे रघुवर इन। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर वगैरह, लोकेशन वगैरह सब मिल जाएगी, तो आप बुक करा सकते हैं। तो इसके अलावा एक फैमिली रूम भी है यहाँ पर, और वॉशरूम सभी के एक ही साइज के हैं, बस ये रूम थोड़ा बड़ा है, इसमें 2 बेड्स है। ये रिसेप्शन से आगे मेन एंट्री है और यहाँ से आके ये कॉरिडोर है और यहाँ पर एक फैमिली रूम है। दिस इज द मेन कॉरिडोर सेकंड फ्लोर का, और एक रूम ये साइज का आपको मिल जाए। ये रूम थोड़ा और छोटा है। हम तो यहाँ पर स्टे कर ही रहे हैं। इस स्टे की एक अच्छी बात मैं आपको बताऊं, जो यहाँ का केयर टेकर बोल लीजिए या जो रिसेप्शनिस्ट बोल लीजिए, वो है, उनका नाम हर्षित है। बहुत अच्छे से उन्होंने यहाँ पर ट्रीट करा, जो चीज़ हमने बोली है वो चीज़ उन्होंने ला कर दी है। और काफ़ी क्लीन रूम्स थे, काफ़ी साफ रूम्स थे, रूम्स में कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं थी। हाँ, थोड़े साइज में छोटे ज़रूर थे, लेकिन 2 लोगों के लिए इनफ थे। और बाथरूम वगैरह सब अच्छे से क्लीन था, कोई स्मेल नहीं रूम में। तो मेरे हिसाब से अगर मैं प्राइसेस की बात करूँ, उससे अगर रूम कंपेयर करूँ, तो यार इट इज़ अ गुड ऑप्शन टू स्टे इन अयोध्या। क्योंकि जितने मैंने ऑप्शंस देखे थे उनमें से मेरे को ये काफी अच्छा लगा इन बजटेड ऑप्शन। बाकी कभी अयोध्या आएंगे तो जरूर बताएंगे और कोई ऑप्शन। बाकी जब तक के लिए वीडियो को आप कर दे लाइक, चैनल को आप कर दे सब्सक्राइब। बाय बाय, मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में।